पहले तो हम भोजपुरिया दर्शक के हम गिरीश शर्मा प्रणाम करतनी। बहुत बढ़िया लागत बा, बहुत बढ़िया फिल्म कर्मी बनल बा। रतन राहा जी एकर डायरेक्टर बारन, हमारे करण डोगरा जी गांधी जी एकर प्रोड्यूसर बारन। बहुत बढ़िया फिल्म बनल बा। ये फिल्म में हमारे लक्ष्य बाबू हीरो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आप लोग पूरा दर्शकन भाई लोग देखी, बहुत बढ़िया ये काम कैले बारन। इत्तेफाक से इस फिल्म में हम इनके पिताजी के किरदार में बनी। ये एक नेक बेटा बारन, बहुत बढ़िया ये काम कैले बारन। रितेश पांडे जी भी मुख्य भूमिका में हैं, संजय है, अयाज खान है, प्रियंका पंडित जी हैं। इस ढंग से फिल्म के ताना बाना अच्छे अच्छे कलाकारों के बीच में बुनल गई बा। पहली फिल्म में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बाकी इतने सारे बड़े बड़े स्टारों के साथ में, मतलब इतना पहला स्टेज मिला, अपने आप को काफ़ी लकी समझूंगा। बाकी तो सब आपके आशीर्वाद पर डिपेंड करता है कि मेरा करियर और ये मूवी कहाँ जाएगी। अब मूवीज़ में तो मेरे पहला एक्सपीरियंस है, और सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और आई एम एक्सपेक्टिंग, देख रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग ज़्यादा बड़ा। आपकी किरदार की बात करें, किसने का किरदार आपने बार और दर्शक पर, आपकी पहली फिल्म है तो दर्शकों पर कितना प्यार मिलेगा इस आपके इस किरदार से? अब किरदार तो काफ़ी मतलब ईमानदार दमदार है, पुलिस वाला है। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ एक पॉजिटिव सा इफेक्ट देता है लोगों पे। तो बाकी सब तो उन पर डिपेंड करता है, उनको कैसा अच्छा लगता है, कैसा। मैंने तो अपनी तरफ से दिया है। विलेन में अयाज बाबू हैं, हमारे भतीजा हैं, हमारा शोषण करते हैं, और अंत में मेरे बेटे को ये लोग मार देते हैं, और बेटे के मारने के बाद पोती का अपहरण कर लेते हैं। मैं फिर दादा बनता हूँ, एक अलग ढंग का सेट इस किरदार में। फिर हीरो हमारा हमारा जो करण है, और मुझे छुड़ाता है, इस ढंग की कहानियाँ हैं। संजय पांडे भी एक भतीजा है। अभी कुछ बाकी छोड़ दो कि फिल्म भी देखे। अब अयाज बाबू बताएंगे आपको किस बारे में। फिल्म के बारे में जो है, आज हमारी जो है कर्मयुग जो है आज रिलीज हुई है, और थैंक्स टू करण डोगरा जी कि उन्होंने इस फिल्म में मुझे कास्ट किया था, और मैंने इस फिल्म में जो है बखूबी अच्छा रोल किया है। जाहिर सी बात है कि अच्छा रोल में तो एक्टिंग अच्छा किया। आप लोग जानते हैं कि करता तो मैं नेगेटिव, और मोस्टली पॉजिटिव भी करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, नेगेटिव ज़्यादा करता हूँ। शायद हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को मेरा यही रोल, यही लुक, यही एक्टिंग पसंद आती है, और दर्शक तो मुझे लगता है कि दोनों रूप में स्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं आज जी आप कोई भी रोल करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव सब अच्छा लगता है। लेकिन आज जो है कर्मयुग जो है रिलीज हुई है, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है इस फिल्म को जो है देखें, अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखें, और हम लोगों को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, और इसमें फिल्म में बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, अपने जो है रितेश जी हैं, संजय जी हैं, गिरीश जी हैं, अपने जो है शिवा भाई भी हैं, और अपनी ही एक्ट्रेस हैं जो है प्रियंका जी हैं, निशा जी हैं। तो पूरी जो है अच्छी कास्ट एंड क्रू है, और मेकिंग भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हुई है। तो प्लीज़ आप लोग इस फिल्म को देखें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। तो हीरो और विलन ने इसमें क्या ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि दर्शकों को थिएटर तक लाने पर मजबूर करें? देखिए, हीरो और विलन का जो है एक्टिंग वही होता है कि हीरो की जो सोच होती है पॉजिटिव सोच होती है, विलन की जो सोच होती है नेगेटिव। दोनों के सोच में फ़र्क होता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कुछ अपने लिए सिर्फ अच्छा करना चाहता है। हीरो जो है समाज के लिए और जो है गांव के लिए और जो भी सभी के लिए अच्छा करना चाहता है। बस वही एक लड़ाई है कि जो है अच्छे और बुरे की। विलन और जो हीरो की फिल्म में जो केमिस्ट्री होती है, बेसिकली कोई एक चीज़ को लेके होती है, वो लड़की हो या धन दौलत हो। तो आप लोग इस फिल्म में देखिए कि हमारी जो है लड़ाई जो है पैसे के लिए है कि धन दौलत के लिए। मोस्टली जो इंटेंस होता है पैसा, सत्ता, लड़की, यही तीन चीज़ों पे जो है हमारी जो है जड़ जड़ों गुलाब जी, हमारी जो जमीन, हमारी जो है ना? हमारी क्या, मैं कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड की जो भी फिल्म बनती है, वर्ल्ड की बता रहा हूँ। तो हीरो और जो विलन का जो है जो दूरियाँ बढ़ती है इन्हीं दो कारणों से, कि वो एक पॉजिटिव लेता है, विलन उसको नेगेटिव लेता है, और झगड़े का कारण यही तीन कारण होते हैं। तो आप लोग, मैं दर्शकों से ही कहूँगा कि फिल्म देखिए, फिर पता लगाइए कि हम हीरो और विलेन के बीच लड़ाई क्यों होती है, पैसे को लेकर कि लड़की को लेकर। रितेश पांडे जी की ये फिल्म अभी जितनी आई है 2-4-5 सबसे बड़ी फिल्म है रितेश पांडे जी की, और
एक समय तो उनकी और फिल्में देखा हूँ और फिल्में मैं उनके साथ किया भी हूँ, ये सबसे अच्छी फिल्म होगी ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और लक्ष्य का तो खैर जवाब ही नहीं है, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है तो बढ़िया काम किया है, इस ढंग से सब लोगों का काम अच्छा है। अब आप लोग मीडिया वाले इसका प्रचार करें, हम यही अनुरोध करेंगे, दर्शकों से अनुरोध है कि आइए एक बार देखें और प्रोत्साहित करें। रितेश पांडे जी भी अभी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो रितेश जी की भी फिल्म है, लक्ष्य जी की भी फिल्म है, फिल्म चले हम यही भगवान से दुआ करें। मैं सच कहूँ तो मैं एक्टिंग भी इन्हीं लोगों से देख देख के सीखा, जो पहला सीन देखा तब मुझे समझा कि कैमरा क्या है, कैमरे के पीछे क्या होता है, डायरेक्टर क्या करता है, आई मीन टोटली सब कुछ फ्रेश था मेरे लिए। ये प्रीवियस मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है कैमरे के सामने, मतलब सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू फ्रेश फॉर मी, और सब कुछ मैं यहीं पे सीखा हूँ। मैं बोलूँगा सेट ने मुझे सब कुछ सिखाया, इन्हीं लोगों ने सब कुछ सिखाया मुझे, जितने लोग दिखेंगे इन्हीं लोगों ने सब सिखाया मुझे। तो आपने पुलिस के किरदार को निभाया है, तो कोई ऐसे पुलिस ऐसे कोई ऑफिसर जिनको आपने फॉलो किया, उनके बारे में आपने कोई डिटेल सर्च किया हो कि आपको एक पुलिस का किरदार निभाना था, उसने सर्च कुछ किया था, आपने ऐसे किरदार निभाया? अब ये तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा अपना करने का तरीका है। हमारे गेस्ट के रूप में बालेश्वर बाबू आ रहे हैं, बुला लो। हाँ बालेश्वर जी आइए, हमने अपनी फिल्म के प्रीमियर में बालेश्वर जी को आज गेस्ट के रूप में बुलाया है। हम चाहेंगे कि हमारी फिल्म की बधाई दे, हमारे छोटे भाई की तरह हमने इनको गोद ले लिया है और बड़ा भाई मानते भी हैं, तो हमारी फिल्म की बधाई दें। सर बताइए, आज रिलीज हो रही है फिल्म, हमारे हीरो की फिल्म, तो खुश हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हमारा भाई जो है बहुत आगे जाए। लक्ष्य के साथ हम लोग दूसरी फिल्म भी कर रहे हैं। हाँ, दूसरी फिल्म हम लोग कब्जा, नहीं इसमें नहीं, कब्जा में इनकी दूसरी फिल्म है जिसमें मैं भी हूँ और उसमें इनके बाप का रोल कर रहा हूँ मैं, जो है अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत अभी कुछ नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने फिल्म देखी अभी तक, ना ही कुछ जाना, बस एज ए गेस्ट अनुजन बुलाया तो आए हैं, आगे हम फिल्म देखते हैं सब लोग साथ में। अगली इनकी प्रोडक्शन की दूसरी मूवी में लक्ष्य बाबू हीरो हैं, तो उसमें बालेश्वर बाबू अहम भूमिका में हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने बुलाया, बधाई देने आई है बच्चे को। तो बालेश्वर जी के भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे कर्मयुग के प्रीमियर में आए और हम लोगों को बधाई दिया, इसलिए बालेश्वर बाबू को वेरी वेरी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। मैं तो सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार, और 2019 नए साल में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है कर्मयुग, और इनके इस पिक्चर के जो हीरो हैं हमारे लक्ष्य डोगरा जी, ये आपसे कुछ बात करेंगे इस शुभ अवसर पे। आज प्रीमियर है हमारे मूवी स्टार जोगेश्वरी मुंबई में, तो इनसे कुछ बोलिए सर। आप पहले बताइए कि लक्ष्य के साथ, लक्ष्य की पहली मूवी थी, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहीं ज़्यादा डांटते खानी पड़ी कि नहीं आपसे? नहीं नहीं, बहुत होनहार लड़के हैं और एक ही बार में ज़्यादा हमें ये नहीं किए, रिटेक नहीं दिए हैं, और बहुत समझदार हैं, अच्छे कलाकार हैं, पहले से तैयारी थी इनकी एक्टिंग की, और बहुत ही आगे जाके ये बहुत स्टार बनेंगे भोजपुरी के, ये हमें पूरा यकीन है। और कर्मयुग की कहानी किस तरह है और दर्शकों को कितना लुभा पाएगी कहानी? देखिए एंटरटेनमेंट फिल्म है, पूरा मतलब मारधार ड्रामा रोमांस हर चीज़ है इसमें, जैसे कि फिल्में चलती हैं, लोगों को दर्शकों को पसंद होती है, उस टाइप से ही हमने बनाई है फिल्म। फिल्म की शूटिंग की बात करें, किस किस लोकेशन किसकी शूटिंग की गई है? जी हमने गुजरात में शूटिंग की है, राजपिपला में। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली फिल्म थी, कितना आपको कोई मन में डर था या कुछ ऐसा था आपके मन में आपके किरदार को लेकर? जब आपने आपके किरदार की आपने स्टोरी सुनी तो आपको क्या लगा आप इस किरदार को बाखूबी निभा पाएंगे? पहली बात है जब मैंने सुना, कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो मतलब ये बात सुनकर मैं पहले ही डर गया था, तो ठीक है कैसे कैसे हिम्मत जुटाई, कैरेक्टर को समझा, स्क्रिप्ट को समझा, गेटअप लिया, जो भी है सब समझ के लिया, फिर जैसे कैमरे के सामने आया फिर और डर लगा, फर्स्ट टाइम था, बट रतन सर थे हिम्मत देने के लिए मेरे को, तो उन्होंने बोला
कर सकता है, ऐसा नहीं है यार। थोड़ा कॉन्फिडेंस रख, कैमरे को देख, कैमरा समझ, डायलॉग समझ, फीलिंग्स ले, सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू। मैं बुरी पिक्चर शूट हो गई। तो इस फिल्म के बाद आगे किस फिल्मों के लिए और भी तैयार हैं आप? अभी एक कब्जा है, इसका स्क्रिप्ट चालू है अभी काम, और अभी और एक है, इसका मतलब अपना टाइटल सेट नहीं हुआ। मतलब बैक टू बैक मूवी के लिए तैयार है? जी जी, हाँ, प्लानिंग हो रही है। और इस फिल्म में जब आपने इस किरदार को निभा रहे थे तो आप बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डर था, लेकिन इस फिल्म को पूरी होने के बाद आज आप फिल्म देखने पहुंचे हैं तो कितनी खुशी हुई? खुशी तो बहुत है, पहली पिक्चर है, मैं खुशी तो जाहिर कर नहीं सकता यहाँ। जी आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी मौजूद होंगे मूवी देखने के लिए, क्योंकि आपकी पहली मूवी? जी जरूर होंगे, मेरे डैड तो है ही, अंकल है, मॉम ऑन द वे, मेरे दोस्त लोग हैं और आ रहे हैं। आई होप कि पूरा थिएटर भर जाएगा। फिल्म कैसे मिली आपको? क्या है कि इनका सर से इसका हर तरह की किरदार निभाने में सक्षम है, ड्रामा एंड एक्शन, एक्शन में तो ज़बरदस्त है, और रितेश पांडे और इनके साथ जो जोड़ी है इस फिल्म में बहुत ही उम्दा जोड़ी है, बहुत अच्छी बनी है फिल्म, रितेश पांडे और इनकी जोड़ी, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है एक्शन में, नए नए थे, काफ़ी हौसला बढ़ाया मैंने, और मैंने ही कास्ट किया था, एक दो बार हमने देखा था, हमारे हाइट वाइट बहुत अच्छा है यार, भोजपुरी के लिए और एक्शन हीरो के लिए तो ज़बरदस्त है, तो लक्ष्य तुम आ जाओ फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने ले लिया इस फिल्म। पहली तो ये मेरी पहली पिक्चर है, मैंने आज तक कभी कोई पिक्चर बनाई नहीं है, और ये पिक्चर के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, एक्शन मिलेगा, मतलब एकदम टॉप स्टोरी है, मतलब एक बार देखने जैसी पिक्चर है, और इसमें पूरा एक लास्ट तक आप कभी बोर नहीं करेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कोऑपरेट किया, और आगे भी मैं उनके साथ पिक्चर बनाऊंगा। तो पहली मूवी है, आगे और भी मूवी की तैयारी है या? चालू है, तैयारी चालू है, आगे अगली भोजपुरी पिक्चर है और एक हिंदी पिक्चर है। क्योंकि वो भी अच्छी एक्टिंग करता है, इसके लिए उसको हम लोग परफॉर्मेंस किया है। तो आगे मूवी में लक्ष्य होगी या फिर कोई नया? लक्ष्य ही रहेगा, आगे की मूवी में भी लक्ष्य रहेगा। ऐसी क्या खास बात नजर आ गई कि हर मूवी में लक्ष्य होंगे? मेरा फेवरेट है इसके लिए। आपका फेवरेट खिलाड़ी? नहीं है, नया जनरेशन है तो नया कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि भोजपुरी में एक्शन जो है ये एक ट्रेंड है, सो इस सब्जेक्ट को हम लोग ने इस फिल्म में मेंटेन करने की कोशिश की है, ताकि एक फैमिली बैकग्राउंड भी मिल जाए, एक्शन भी मिल जाए, रोमांटिक भी हो जाए, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाई है, जो मेरे हिसाब से भोजपुरी ऑडियंस जो है ये इसको लाइक करेंगे। तो भोजपुरी, भोजपुरी में जो एक बातें आती है अश्लीलता के लेकर, उसको लेकर लोग फिल्म में नहीं देखने जा पाते, तो क्या इस फिल्म में कुछ बातें ध्यान में रखा है? नहीं नहीं, देखिए ये तो हर एक इंसान का बोलने का तरीका है, नज़रिया है, आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदी फिल्म में अश्लीलता नहीं है। अभी देखिए आप हिंदी फिल्मों में भी, सॉरी हिंदी फिल्मों में भी ये है कि ये देखो किसिंग शॉट, ये शॉट दो, ये तो आपको देखने मिलता ही है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि भोजपुरी में कुछ इतना ज़्यादा गंदा बताते हैं जो आप उसको अश्लीलता बोलते हैं। बाकी ठीक है, सोचने वाले के ऊपर है, हमने फिल्म बनाई है, एक्शन है, रोमांस है, फाइट है, सब कुछ है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। नहीं देखिए दिक्कत तो कुछ नहीं आई, क्योंकि फिनेंशियली हम लोग सब कुछ रेडी थे, फिल्म राजपिपला में शूट हुई है, और वन शेड्यूल कंप्लीट करके, पोस्ट प्रोडक्शन करके, जितना जल्दी हो सके हम लोग ने इसको दर्शकों के बीच में लाने की कोशिश की। अभी एक्चुअली मैं बिहार रिलीज़ करना चाहता था, हमारी फिल्म मतलब बिहार बिक चुकी है, मगर वहाँ क्या है अभी ठंडी का माहौल है, और 6 महीना पीछे जाके उसको रिलीज़ करना तो उससे अच्छा था कि भाई हम लोग इसको मुंबई से शुरू करें।
देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में भोजपुरी में जिस हिसाब से खेसारी जी है, पवन जी है या अपने निरव्वा जी है, ये तो मतलब टॉप में है, तो और एक्टिंग में भी अच्छे हैं, तो हम लोग ये चाहते थे कि इसमें किसी नए को हम लोग चांस दें। जैसे रितेश पांडे, ये उभरते कलाकार है, तीन ये हमारे जो तीन स्टार्स हैं इनके पीछे अगर नंबर किसी का लगता है तो आज रितेश जी का है। पॉपुलर सिंगर हैं, उनके गाने आप लोग वेव हुआ या जितने भी भोजपुरी चैनल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा लक्ष्य है, तो लक्ष्य भी जो है ये एक्टिंग में बहुत तगड़ा है, आप इसकी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों का जो कॉम्पोजिशन बैठा है इस फिल्म में, एक जोड़ी के हिसाब में, दो पैर के हिसाब में, मतलब दो हीरो के हिसाब में, ये देखने को मिलता है और मज़ा आएगा पब्लिक को, ऑडियंस को देखने में इसको। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, और मैं शंकर गुरु हूँ सीतामढ़ी बिहार से, और करण सर ने और रतन सर ने मेरे को इस फिल्म में कास्ट किया है, जिसमें 4-5 सीन है मेरे इस फिल्म में, और काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे बेसब्री से इंतज़ार थी इस फिल्म की रिलीज की डेट की, तो मुझे स्पेशल बुलाया गया है, मैं सीतामढ़ी बिहार से अभी आया हूँ इस प्रीमियम पे खास करके, और साथ में ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए करण सर लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम है कब्जा। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मूवी बनी है, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, तो सो आप लोग जाकर देखिए, और पब्लिक के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं रहता है, इसलिए मैं सबसे बड़ी बात होती है कि जो पब्लिक होते हैं वही हमारे दर्शक जो है, वही हमारे आगे के आधार होता है कि हम लोग अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट करें। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आनंद देव मिश्रा, और मेरे जितने भी मीडियागण हैं सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आज फिल्म रिलीज़ हो रहा है कर्मयोग, और जिसके जिन्होंने किरदार निभाया लक्ष्य ने और करण जी ने बहुत ही अच्छा इस फिल्म को आगे बढ़ाया है, और इस फिल्म का प्रमोशन बहुत ही अच्छा है, मैं यही दुआ करता हूँ माता रानी से कि ये कर्मयोग फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, और साथ ही साथ रंजीत जी को बहुत बधाई, और लक्ष्य भाई को बहुत बधाई हो, रितेश जी को और पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई हो।